नमस्कार दोस्तों, डीसी मोबाइल सॉल्यूशन में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये है हमारे पास मॉडल आईफोन 6। ठीक है, अभी हम इसको किस तरीके से इसकी हेलो स्क्रीन को बाईपास करेंगे, किस तरीके से इसको जेलब्रेक करेंगे, ठीक है, तो वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। और दूसरा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस तरीके से आप iPhone 5s to iPhone X तक कर सकते हैं। ठीक है, iPhone 5s से लेकर iPhone X तक इस तरीके से आप उसको बाईपास कर सकते हैं विद नेटवर्क। ठीक है, इसमें नेटवर्क भी आएगा। तो सबसे पहले इसके लिए हमें ये टूल चाहिए, आई बाईपास एल प्रो। इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये देखो, ये वेबसाइट है अपना gsm.com। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे प्लेस ऑर्डर में, इसको पहले लॉग इन रजिस्टर वो सारी चीज़ें आप कर लेना। ठीक है, IMEI ऑर्डर में जाएंगे। IMEI ऑर्डर में जाने के बाद यहाँ पे हम सर्च करेंगे विंडो आई बाईपास एल प्रो। ठीक है, यहाँ पे आ गए और यहाँ पे आपको सारी सर्विसेज मिल जाएंगी। ठीक, आपको करना क्या है, किसी भी सर्विस में जाओ और यहाँ पे ये लिंक पड़ा हुआ है, ठीक है, इससे आप इसको डाउनलोड कर लो। मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ओपन करेंगे आई बाईपास एल प्रो को। ठीक है, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा जिसमें कि आपके फ़ोन का इन्फो वगैरह सारा कुछ आ जाएगा। और यहाँ पे बोलेगा कि एंटर रिकवरी मोड। अभी देखेंगे फ़ोन हमारा जो है वो हेलो स्क्रीन पर है। ठीक है, तो यहाँ पे एंटर रिकवरी मोड करेंगे, देखेंगे फ़ोन हमारा रिकवरी मोड में चला जाएगा अभी। ठीक है, फ़ोन हमारा रिकवरी मोड में आ चुका है। अभी यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है बूट का। ठीक है, अभी यहाँ बूट करेंगे, बूट के बाद ये इंटरफेस आएगा। ये आपका अलग अलग इंटरफेस हो सकता है अलग अलग फ़ोन में। अभी यहाँ पे हमारे पास iPhone 6 है, तो यहाँ पे हमें बोल रहा है पावर की और होम की से हम इस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। अगर आपके पास iPhone X होगा तो वो यहाँ पे वो बताएगा कि वॉल्यूम डाउन और पावर की से वो प्रोसेस हमें जेलब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, देखो मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, आप देखते रहिए, उस तरीके से आप इजिली सीख जाएंगे। यहाँ पे जैसे ही मैं स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ, मुझे क्या है कि पावर की और होम की दोनों एक साथ प्रेस करनी है। और देखिए यहाँ पे जैसे ही 8 या 7 पे आएगा, मैं पावर की छोड़ दूंगा। ठीक है, होम की दबा के रखूंगा, यहाँ पे सेकंड चल रहे हैं। देखिए ये अब मुझे होम की भी छोड़ देनी है, फोन अभी DFU मोड में जा चुका है। ठीक है, ये देखिए कुछ कोडिंग चली, अब इससे हमारा फ़ोन, ये समझ लीजिए हमारा फ़ोन जो है जेलब्रेक हो चुका है। अभी ये कुछ टाइम लगेगा फ़ोन को बूट होने में। देखिए लोगो आ गया, अब ये फ़ोन जो है हमारा ऑन हो रहा है। ये पूरी अनकट वीडियो है दोस्तों, इस तरीके से आप iPhone 5s से लेकर iPhone X तक कर सकते हैं। ये एक ट्रस्ट के लिए बोलेगा, यहाँ पे ओके कर देना है। ठीक है, यहाँ पे ओके करने के बाद यहाँ पे आपका इन्फो आ जाएगा। मैं एक बार डाटा केबल निकाल के दोबारा लगा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये दोबारा से चेकिंग कर रहा है। ठीक है, जब ये चेकिंग ना करे जब तक आपको फिर फ़ोन बार बार निकाल के बार बार लगाना है। अभी यहाँ क्या है कि डिवाइस नाउ रेडी फॉर एक्टिवेशन। अच्छा ठीक है, क्योंकि मैंने इसका सीरियल नंबर अभी लगा दिया था, वो कहाँ पे जाके, यहाँ पे जाएंगे अपना GSM पे जाएंगे, जो भी आपका मॉडल है वो जो सर्विस में, तो आई बाईपास एल प्रो में जाएंगे, यहाँ पे अपना सीरियल नंबर डालेंगे। ठीक है, जितने पैसे की भी सर्विस हो, इसका प्राइस डेली अप डाउन होता रहता है, यहाँ पे सीरियल नंबर डाल के प्लेस ऑर्डर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आपकी ऑर्डर हिस्ट्री में वो ऑर्डर दिख जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको इसमें फ़ंड ऐड करवाने के लिए यहाँ पे फ़ंड आपको ऐड करवाना पड़ेगा। मैं नीचे व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, ठीक है, एक ग्रुप भी दे दूंगा, उसमें ज्वाइन कर लेना। और यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर मिलेगा आपको, वहाँ से, ये वाला व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, यहाँ से भी ऑर्डर, यहाँ पे आप फ़ंड ऐड करवा के अपना ऑर्डर लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि मैंने वो लगा लिया है, इस वजह से यहाँ पे वो दिखाया नहीं, ये सिग्नल सपोर्टेड वगैरह वो सारी चीज़ें दिखाता है। ठीक है,
तो यहाँ पे सिंपल हमें एक्टिवेट पे क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, सक्सेसफुली एक्टिवेटेड डिवाइस रिबूटिंग इरेज हैज़ बीन ब्लॉक्ड बट योर डिवाइस कैन स्टिल OTA। अब इस केस में क्योंकि आईफोन 6 है, इसमें अपडेट अभी नहीं आ रहा, लास्ट इसका अपडेट हो गया है 12 पॉइंट कुछ करके। अगर आपका आईफोन 7 है, 10 है, यानी आईफोन एक्स है, तो उसमें अपडेट वगैरह आप फ़ोन को नहीं कर सकते, फ़ोन को रीसेट नहीं कर सकते। अगर बाई चांस आपका फ़ोन अपडेट और रीसेट अगर हो जाता है, ठीक है, बाय चांस अगर हो जाता है, तो आप इसी टूल से उसको बाद में फ्री में कर सकते हो। जैसे कि मेरा सीरियल नंबर पहले से रजिस्टर्ड था, तो मैंने इसको फ्री में कर लिया। फ्री में मीन्स पहले मेरा रजिस्टर था, मैंने दोबारा रीसेट किया, दोबारा कर लिया। इस तरीके से ही आपका अगर फ़ोन दोबारा रीसेट अगर अपडेट हो जाता है, तो आप आसानी से उसको सेम टूल से फ्री में कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखिए फ़ोन हमारा ऑन बिल्कुल ओके कंडीशन में आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप आईफोन 5s 2x कर सकते हो। अगर WhatsApp पे अगर किस ऑर्डर करवाना चाहते हो, तो मैं WhatsApp नंबर नीचे दे दूंगा, उनसे जाके आप इजीली करवा सकते हो, ठीक है। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।